धनबाद जिले में मारवाड़ी महिला समिति हीरक शाखा के द्वारा गोविंदपुर मार्ग अपनो घर में 11 आदिवासी कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है, जिसमें काफ़ी संख्या में मारवाड़ी महिला समिति के द्वारा लोग एकत्रित हुए, साथ ही दहेज प्रथा मुक्त विवाह कराया गया। आज यहाँ 11 जोड़े का आदिवासी लड़कियों का सामूहिक विवाह होने जा रहा है, उसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हीरक शाखा पूरी जोर शोर से लगी हुई है, आप लोगों का सोसाइटी भी पूरा साथ दे रही है, और सब में बहुत उत्साह है कि ये कैसा शादी होगा। सब देखने के लिए लोग जमा हो रहे हैं। अभी हम लोग की प्रांतीय अध्यक्ष और प्रांतीय सचिव कुछ ही देर में पहुंचने वाली हैं। आनंद धाम ऋषिकेश से महाराज जी भी यहाँ पे आ रहे हैं, उन सबका इंतजार हो रहा है। ये कार्यक्रम की हम लोग खूब जोर शोर से शुरुआत करेंगे। जोड़ों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? जोड़ों के लिए सारी व्यवस्था दी गई, खाने पीने से लेके सारा दहेज दिया जा रहा है, आने जाने का भी सारा खर्च हम लोग वहन कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था जो एक बेटे के ब्याह में करी जाती है, सारी व्यवस्था एक जगह दे रही है। दुल्हन के लिए क्या कुछ मतलब सामान दिया जा रहा है? दुल्हन के लिए यहाँ पे गोदरेज की अलमीरा है, बक्सा है, बाल्टी है, आपका ये सोड़िया है, बेडशीट है, शादी का जोड़ा है, फुटवियर है, एक अपने पार्लर वाली से भी लोग तैयार करवा करके हम लोग शादी करवा रहे हैं। पार्लर वाली है कि आप लोगों की सोसाइटी की अंजू भूषण जी हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट बड़ी मैं इन लोगों को तैयार करूंगी। लोग इतने उत्साहित हैं, आगे बढ़ करके सारा सहयोग दे रहे हैं और खुले हाथ से दान दे रहे हैं। जो लड़का और लड़की किस जगह से आ रहा है? क्या क्या लड़का लड़की सब टुंडी क्षेत्र के हैं, बागमारा है, दमुआ है, क्या ये सीधा टांड है, कोला हीर है, ये सब क्षेत्रों से 11 लड़का और 11 लड़की आ रहे हैं। इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था क्या? ये लोग हम लोग पंच के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन हुआ है और थोड़े दिन बाद हम लोग इन लोग का रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे। पूरा पुख्ता हम लोग करके ये काम कर रहे हैं और वहाँ के पंच भी साथ में आए हैं कि कुछ भी गलत यहाँ पे नहीं हो सके। हमने पिछले साल भी करवाया था ये विवाह। मेरा नाम साधना देवरालिया है, मैं हीरक शाखा की संस्थापक हूँ और अभी प्रांतीय महिला सशक्तिकरण के प्रमुख हूँ। महिला समिति के अध्यक्ष ने बताया कि टुंडी क्षेत्र से 11 आदिवासी कन्याओं का यहां सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। आज हम लोग का यहां पे 11 आदिवासी कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं हम लोग, जो टुंडी क्षेत्र के अलग अलग गांव से सब कन्या लोग हैं। और आज का हमारा ये विवाह करवाने का उद्देश्य ये है कि वो लोग काफी मतलब नीडी पीपल्स हैं, गरीब हैं, तो उनका एक अच्छा सा एक मेमोरेबल मैरिज हो, उस कारण से हम लोग ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करवा रहे हैं। इसमें सब लोगों ने, समाज के सभी लोगों ने और समिति के भी सभी मेंबर्स ने बहुत बढ़ चढ़ के अपना सहयोग दिया है। उनका जो भी हम लोग बेसिक रिक्वायरमेंट्स है एक नया जीवन स्टार्ट करने के लिए, सब सारा सामान हम लोग दे रहे हैं इसमें, ताकि वो लोग अपना नया जो जीवन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अच्छा से कर पाएँ। कितनी जोड़ी की शादी हो रही है? 11 जोड़ों की शादी हो रही है। सब कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं? सब टुंडी क्षेत्र में जो छोटे छोटे गांव है वहाँ के लोग हैं, सब आदिवासी लोग। सारा रसम सब उनका शादी किया जाएगा? जैसे हमारे यहाँ 11 समाज के कपल्स हैं जो उनका कन्यादान करेंगे। अच्छा। पूरा विधि विधान से सारा कुछ किया जाएगा, रीति रिवाज के हिसाब से शादी किया जाएगा। कोई मुख्य अतिथि भी आ रहे हैं क्या? हाँ, हमारे मुख्य अतिथि जो प्रांत के हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, प्रांतीय अध्यक्ष आ रही है जमशेदपुर से मंजू खंडेलवाल, और हमारे प्रांतीय सचिव भी आ रही हैं तो प्रभा पाड़िया, और यहाँ धनबाद के बहुत से गणमान्य लोग आ रहे हैं। और जोड़ों के लिए जो बड़े उद्योगपति हैं हमारे, सब इन लॉज भी आ रहे हैं उसमें आशीर्वाद देने वर वधु को। और जोड़ों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? जोड़ों के लिए जो दैनिक आवश्यकता होती है वो सारे सामान हम लोग दे रहे हैं। उसके अलावा जो उनका जोड़ा है, शादी का जोड़ा, जो लड़के का शादी का जोड़ा, वो भी हमारी समिति की तरफ से दिया जा रहा है। उसके बाद उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है, उनको लाने ले जाने की पूरी व्यवस्था हमारी तरफ से है, समिति की तरफ से। नाम बताइए अपना। विजेता अग्रवाल, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति हीरक शाखा। आपका नाम बताइए। मैं पिंकी अग्रवाल, मारवाड़ी महिला समिति हीरक शाखा की अध्यक्ष हूँ। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।
मारवाड़ी महिला समिति हीरक शाखा गत 4-5 सालों से मारवाड़ी महिला समिति धनबाद चरिया से जुड़ी है और एक नई शाखा अपने हीरक शाखा के नाम से महिला समिति को इन्होंने अपना बनाया है और 4-5 सालों से ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अपने समाज के लिए। जब कोरोना काल था तब इन्होंने सब पीड़ितों को मदद की और जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उनको आगे पढ़ाया और जब जिससे जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है ये लोग पूरा करते हैं। आज 11 जोड़ों का ये लोग विवाह करवा रहे हैं, आदिवासी कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं। जोड़ों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? सभी तरह की चीज़ें इन्हें उपलब्ध कराई गई है। घर में जो भी चीज़ें यूज़ होती है लाइक अलमीरा, फैन, मैं देख रही हूँ बिस्तर और काफ़ी सामान ये लोग उनको सारी व्यवस्था घर की सारी रीति रिवाज के साथ पंडितों के द्वारा शादी में संपर्क कराया। पूरा परिचय नाम मेरा जी ईशा तुलसी।